किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस ने मिठाइयां बांटी, लेकिन कांग्रेस की ये खुशी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहने वाली, क्योंकि किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाकर एक तरह से कांग्रेस का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा ही खत्म कर दिया। असल में कांग्रेस अब तक किरण बेदी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने बेदी को हटाकर मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार किरण बेदी को हटाने की मांग कर रही थी। किरण बेदी ने ट्वीट करके अपने इस कार्यकाल के दौरान सभी के सहयोग पर धन्यवाद दिया। किरण बेदी ने अपने ट्वीट के साथ वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे अपना संदेश पढ़कर सुना रही हैं। किरण बेदी ने लिखा कि पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में मेरी यात्रा में शामिल पुदुचेरी की जनता और सरकारी अफसरों को धन्यवाद। अपने संदेश में किरण बेदी ने कहा, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव मुहैया कराने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मेरे साथ काम किया। गहरे संतोष भाव के साथ उन्होंने कहा, मैं कह सकती हूं कि टीम राजनिवास ने जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर पूरी मेहनत के साथ काम किया। किरण बेदी ने आगे कहा कि पुदुचेरी का उज्जवल भविष्य यहाँ की जनता के हाथों में है। एक समृद्ध पुदुचेरी के लिए मेरी शुभकामनाएं। और एक विधायक के इस्तीफे के बाद पुदुचेरी की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में बहुमत खो दिया। कांग्रेस विधायक जॉन कुमार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही गत एक महीने में वह चौथे विधायक हो गए हैं जिन्होंने विधायक पद छोड़ा। कांग्रेस गठबंधन के अब 14 विधायक रह गए हैं। इस मौके का लाभ उठाते हुए विपक्ष ने मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी से इस्तीफा मांगते हुए कहा, सरकार अल्पमत में है। उसकी वजह यह है कि किरण बेदी को हटाए जाने से एक तो कांग्रेस के पास जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों में से एक का मुद्दा कम हो गया, दूसरा नई उपराज्यपाल तमिलनाडु की है। पुदुचेरी की राजनीति में तमिलनाडु का काफी असर रहता है, इस लिहाज से वह बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। पुदुचेरी की 33 सदस्यीय विधानसभा में अब विपक्ष के सदस्यों की संख्या भी 14 है। सदन में प्रभावी सदस्यों की संख्या के आधार पर बहुमत का आंकड़ा 15 है। विधानसभा में कांग्रेस के 10, द्रमुक के 3, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के 7, अन्ना द्रमुक के 4, अब बीजेपी के 3 और एक निर्दलीय विधायक रह गया है। कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि एक विधायक को अयोग्य ठहराया गया है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। खुफिया एजेंसीज रॉ और आईबी ने एक रिपोर्ट में खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी केसीएफ की साजिश को भंडाफोड़ किया। केसीएफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के नेताओं को टारगेट करने की साजिश रच रही है। केंद्र सरकार की दोनों खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि केसीएफ के साजिशकर्ता बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम में बैठे हैं। उन्होंने बेहद शातिरअंदाज में दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता की हत्या करने की योजना बनाई है। खालिस्तानी कमांडो फोर्स की योजना उस नेता को निपटाने की है जो पूर्व में पंजाब से केसीएफ कैडर को निपटाने में शामिल रहा। खुफिया एजेंसियां केसीएफ की ऐसी कोशिशों को ट्रैक कर रही है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भरोसेमंद इनपुट मिला है कि एक किसान नेता की हत्या की साजिश का प्लान था। पता चला कि केसीएफ के बेल्जियम और यूके के 3 आतंकवादियों ने दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान की हत्या करने की योजना बनाई है। इनपुट के अनुसार ये किसान नेता पंजाब में केसीएफ कैडर के खात्मे में कथित रूप से शामिल था। एजेंसियों को मिली जानकारी ये भी बताती है कि केसीएफ ने सोचा था इस वक्त किसान नेता की हत्या से भारत में हिंसा भड़केगी और हत्या का ठीकरा भी भारत सरकार की एजेंसियों या राजनीतिक पार्टी पर फोड़ा जाएगा। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है। इसका मकसद एक अलग खालिस्तान की स्थापना करना है। भारत में इस संगठन को आतंकी संगठन का दर्जा मिला हुआ है। केसीएफ ने देश में कई हत्याओं को अंजाम दिया। साल 1995 में पंजाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के पीछे भी यही संगठन था। केंद्र सरकार कई बार ये कह चुकी है कि दिल्ली में किसान आंदोलन के बहाने खालिस्तानी एलिमेंट्स अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। हाल ही में कुछ खालिस्तानी समर्थकों के साथ कई एक्टिविस्ट की वर्चुअल मुलाकात की जानकारी भी सामने आई है। दिल्ली पुलिस उस षड्यंत्र की जांच कर रही है। पिछले दिनों केंद्र ने ट्विटर से सैकड़ों अकाउंट्स को बंद करने को कहा था, क्योंकि वे खालिस्तान से हमदर्दी रखते थे। दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा के मद्देनजर भी पुलिस ने 400 से ज्यादा ऐसे हैंडल्स की पहचान की थी जो पाकिस्तान से चल रहे थे और भड़काऊ ट्वीट्स कर रहे थे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन की आड़ में दुनिया में भारत की छवि खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि खालिस्तानी आतंकी एमो धालीवाल के साथ भारत में कई एक्टिविस्ट ने मीटिंग की थी। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि पुलिस की कस्टडी में है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को जूम ऐप पर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक एमो धालीवाल और दिशा निकिता जैकब शांतनु समेत करीब 70 लोगों ने एक मीटिंग की थी। टूलकिट केस की जांच में पुलिस ने 1000 से ज्यादा को रडार पर रखा हुआ है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। जिन कृषि कानूनों के नाम पर अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़ा, आज उसी कानून की आग में अकाली दल जल गई। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों में अकाली दल का सूपड़ा साफ हो गया। पंजाब में अकाली दल का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। अकाली दल ही नहीं, किसानों के नाम पर सियासत चमका रहे अरविंद केजरीवाल को भी जोरदार झटका लगा। कांग्रेस लगभग एक तरफ से क्लीन स्वीप करती आगे बढ़ी।
कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार से नाता तोड़ने वाली हरसिमरत कौर भी अपना गढ़ नहीं बचा पाई। बठिंडा निगम चुनावों में 50 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस को 43 सीटें मिली जबकि अकाली दल को महज 7। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके अलावा वार्ड नंबर 1 से वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के खास कांग्रेस नेता टहल सिंह संधू की पत्नी मनदीप कौर को 25 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अकाली दल की प्रत्याशी अमनदीप कौर विजेता बनी। निगम चुनाव में इस बार कांग्रेस को बड़ी जीत मिली जिस कारण अब निगम में 53 वर्ष के बाद कांग्रेस का मेयर बनेगा। मेयर की दौड़ में सबसे पहले वार्ड नंबर 48 से जीते कांग्रेस नेता जगरूप सिंह गिल का नाम सामने आ रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये अभी या चुनाव से पहले मेयर के बारे में किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं बगताबाई वार्ड नंबर 10 से अकाली दल प्रत्याशी रघुवीर सिंह ने आरोप लगाया कि वे काउंसिल चुनावों में आसानी से जीते थे लेकिन विरोधी पक्ष की ओर से उन्हें विजेता सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। वे तब तक अपने समर्थकों के साथ बगता नथाना रोड पर जाम लगाकर धरना लगाए बैठे रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। बठिंडा के 224 वार्ड में से 154 पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं जबकि 33 वार्ड पर शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी जीते हैं। इसके अलावा जिले के नथाना काउंसिल में आम आदमी पार्टी के 3 प्रत्याशी जीते हैं। बाकी जगहों पर आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। बीजेपी पूरे जिले में शून्य पर ही सीमित रही। बहुजन समाज पार्टी को भाई रूपा में 1 सीट पर जीत मिली है। रामपुरा फूल तहसील के अधीन आते कोठा गुरु के 11 वार्ड में कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं अकाली दल आम आदमी पार्टी बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया। बगताबाई के 13 वार्ड में से 9 पर कांग्रेस 3 पर अकाली 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। गांव मलुका में 11 में से 9 पर कांग्रेसी 2 पर अकाली दल के प्रत्याशी जीते हैं। बाईरूपा में 13 में से 8 कांग्रेस 4 अकाली दल और 1 बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीता। महाराज में 13 में से 10 कांग्रेस 1 अकाली 2 आजाद प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। सब तहसील मौड़मंडी के 17 में से 13 पर कांग्रेस 1 पर अकाली दल 3 आजाद प्रत्याशियों ने जीत प्राप्त की। रमा मंडी के 15 वार्ड में से 11 कांग्रेस 2 अकाली दल और 2 आजाद प्रत्याशी जीते। चो मंडी के 13 वार्ड में 11 पर कांग्रेस 2 पर अकाली दल के प्रत्याशी जीते हैं। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार बिंटा पार्टी टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। नथाना के 11 वार्ड में से 1 पर कांग्रेस 3 पर अकाली दल 3 पर आम आदमी पार्टी जबकि 4 आजाद प्रत्याशी यहां से जीते हैं। गुनियाना में 13 में से 7 पर कांग्रेस और 6 आजाद प्रत्याशी जीते हैं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। किसान आंदोलन की भरपूर फसल पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने काट ली लेकिन ऐसा ही प्रदर्शन कांग्रेस आगे भी जारी रख पाएगी ऐसा कह पाना या सोचना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का कोई फायदा अकाली दल को हुआ नहीं। नतीजे बताते हैं कि दूसरे नंबर पर होने के बावजूद सबसे बुरे हालात अकाली दल के हुए लेकिन सबसे बड़ी बात इन नतीजों में अरविंद केजरीवाल के लिए ये है कि लोकसभा चुनावों से ही पिछड़ रही आम आदमी पार्टी के पूरे नतीजे आने पर चौथे नंबर पर खिसकने की संभावना भी है। मतलब साफ है पंजाब में केजरीवाल का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। रही बात बीजेपी की तो पंजाब में वो हमेशा अकाली दल के साथ जूनियर पार्टनर के तौर पर चुनाव लड़ती रही है। निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेसी किसानों ने सिर्फ बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर धरना दिया बल्कि उन्हें चुनाव प्रचार करने से भी रोका। मतलब ये कि अकाली बीजेपी गठजोड़ के टूटने का पूरा फायदा कांग्रेस को मिला और केजरीवाल की छापामार सियासत अंत के करीब जा रही है। बीजेपी का प्रदर्शन इन चुनावों में निराशाजनक रहा। वहीं बेअदबी के आरोपों से घिरे अकाली दल ने निकाय चुनाव में दूसरे नंबर पर रहकर न सिर्फ अपनी साख बचा ली वहीं ये भी साबित कर दिया कि केंद्रीय कृषि कानून लागू करने में निभाई उनकी भूमिका को पंजाब के लोगों ने अभी पूरी तरह से माफ नहीं किया है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार मुखर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन कर रहे किसानों को कई तरह की मदद भी मुहैया करवाई इसके बावजूद पंजाब की जनता ने उन्हें नकार दिया। मतगणना में आप और बीजेपी के बीच तीसरे स्थान पर कड़ी टक्कर रही। नगर निगमों के साथ साथ नगर परिषद और पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस को जनता ने जोरदार समर्थन दिया। पंजाब की 7 नगर निगमों अबोहर बठिंडा बटाला कपूरथला होशियारपुर पठानकोट और मोगा के अब तक आए परिणामों के अनुसार अबोहर में कांग्रेस ने 50 में से 49 वार्ड जीत लिए जबकि अकाली दल को 1 वार्ड मिला। होशियारपुर में अकाली बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है वहीं कांग्रेस ने 50 में से 31 वार्ड जीत लिए। बीजेपी को 4 और आम आदमी पार्टी को 2 वार्ड में जीत हासिल हुई। इस बार वहां अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी खाता भी नहीं खोल सके। मोगा में कांग्रेस ने 50 में से 20 वार्ड में और अकाली दल ने 15 वार्ड में जीत हासिल की जबकि आप ने 4 और बीजेपी ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पठानकोट नगर निगम पर भी कांग्रेस का कब्जा हो गया।
यहां कांग्रेस ने 37 वार्ड में जीत हासिल की जबकि बीजेपी को केवल 11 सीटें ही मिली। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता। खास बात यह है कि पठानकोट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का इलाका है। इस हिंदू बाहुल्य सीट के अलावा बीजेपी को अबोहर, गुरदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, सुजानपुर में करारी हार का सामना करना पड़ा। कपूरथला नगर निगम में 50 वार्ड में से 45 में कांग्रेस ने जीत हासिल की जबकि अकाली दल 3 और 2 सीट पर निर्दलीय विजयी रहा। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। फ्रांस ने इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए एक नए कानून को मंजूरी दी। इस कानून के तहत अब पुलिस को अधिकार होगा कि वह फ्रांस की मस्जिदों और मदरसों को जब चाहे तब बंद करवा सकती है। इसके अलावा मुस्लिमों के एक से ज्यादा विवाह या फिर जबरन विवाह करने को अपराध घोषित किया जाएगा। इस कानून को फ्रांस की संसद के निचले सदन ने धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक कट्टरवाद को खत्म करने के लिए भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। इस कानून के मसौदे को लेकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने देश भर में कई रैलियां की थीं, जिसके बाद फ्रांस के नेशनल असेंबली में हुई वोटिंग के दौरान 347 सदस्यों ने कानून के पक्ष में वोट दिए जबकि विरोध में वोट देने वाले सांसदों की संख्या 151 रही। अब इसे संसद के ऊपरी सदन में पेश करने की प्लानिंग की जा रही है जहां मैक्रों की पार्टी के पास बहुमत नहीं है। फिर भी फ्रांस में कट्टरपंथ के खिलाफ बढ़ते माहौल को देखते हुए इस कानून को ऊपरी सदन से भी मंजूरी मिलने के आसार हैं। हाल ही में फ्रांस ने देश में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 संगठनों से एक चार्टर पर हस्ताक्षर करने को कहा था जिसमें आतंकवाद की बुराई और धार्मिक कट्टरपंथ को खत्म करने जैसे उपबंध शामिल थे, लेकिन कानून न होने के कारण 3 संगठनों ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद से फ्रांसीसी सरकार ने इसे कानून बनाया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस कानून के जरिए देश की धर्मनिरपेक्ष ताकत को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा देश में बढ़ते आतंकवाद, कट्टरपंथी की घटनाओं को भी रोका जा सकता है। इस कानून के विरोध में लगभग 200 लोगों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शन भी किया। उन्होंने आरोप लगाया ये कानून केवल एक वर्ग विशेष को लक्षित करके बनाया गया। फ्रांस पिछले कुछ महीनों से इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहा है। 16 अक्टूबर को फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते समय अपने एक शिक्षक की हत्या कर दी थी। उसके बाद से चार्ली हेब्दो के ऑफिस के बाहर भी फायरिंग की घटनाओं ने फ्रांस की चिंता बढ़ा दी थी। इसके अलावा फ्रांस में पिछले साल छोटे बड़े 10 से ज्यादा आतंकी हमले भी हुए। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।